स्वागत है फ्रेंड्स। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ डॉस का जो लेग बेंडिंग प्रॉब्लम है, ये क्यों होता है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इसे जो फिजिकल एक्टिविटी होती है पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद उसका मेडिसिन सॉल्यूशन जो है वो मैं बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज़ वीडियो पे स्किप नहीं कीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि हमारे डॉग्स का क्या होता है कि बैक लेग्स हो या फ्रंट लेग्स हो, कभी इस टाइप से उसका एल्बो या उसका जो फीट है वो बेंड होने लगता है, या बैक लेग्स का जो एल्बो है वो एक दूसरे में सटने लगते हैं। तो ये क्यों होता है फ्रेंड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो बोलना चाहूँगा ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, पपी का मदर साइड से आ सकता है या फादर के साइड से भी आ सकता है। बट इन द सेम टाइम फ्रेंड्स क्या होता है कि हमें जो उसका रख रखाव है उसका सही तरीका पता नहीं होता है, इसके कारण भी 70% होता है जो चांसेस लेग बेंडिंग का अपने रख रखाव के ऊपर। तो सबसे पहला गलती हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है कि हम जब पेट्स को अपने घर पे लेके आते हैं उसे बहुत लाड़ प्यार करते हैं, उसे अपने साथ अपने घर पे रखते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि उनके जो पॉज है, उनके पॉज जो हमारे जो फाइन फ्लोर होता है, फॉर एग्जाम्पल मार्बल का फ्लोर हो गया या सिंपल प्लेन प्लस्तर जो है उसका फ्लोर हो गया या टाइल्स का फ्लोर हो गया, उसको सही से ग्रिप नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है उसका जो पाव का जो ये थम्स मैं आपको बता रहा हूँ पॉज जो है वो स्लिपरी होने लगता है, एंड इसके कारण वो क्या होता है ये फैलना स्टार्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा कि डॉग्स को पेट्स को हमें थोड़ा रफ फ्लोर में ही रखना चाहिए, ठीक है आप उसे घर पे रखो बट उसे रफ फ्लोर पे भी लेके जाओ, मड में ग्राउंड में उसे चलाओ दौड़ाओ खिलाओ। तो क्या होता है कि फ्रेंड्स अगर हम उसे 2400 घंटा अपने घर पे रख रहे हैं फाइन फ्लोर में रख रहे हैं, तो सबसे पहला कारण तो ये होता है फाइन फ्लोर में रखने के कारण होता है कि उनका जो लेग्स है वो बेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जनरली कब होता है 2-4 मंथ का एज जब अपने पपीज़ का होता है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग पीरियड होता है हमारे डॉग्स का, इसी उम्र में वो जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि हम तो पपी लेके आए हैं और उसे हाई प्रोटीन फूड देते हैं ताकि वो दिखने में सुंदर हो, थोड़ा मोटा ताजा हो, एक तो वो बढ़ रहा है, दूसरा चीज़ ये हो जाता है कि वो जब वॉक में है अपना जब चल रहा है तो उसका पैर जो है सही से ग्रिप नहीं कर रहा, एक तो बॉडी वेट बढ़ रहा है, बट वो लेग्स में अपना ग्रिप भी नहीं कर पा रहा, तो वो क्या होता है आस्ते आस्ते उसका लेग बेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमारा जो छत होता है छत का जो सरफेस रहता है कैसा रफ सरफेस रहता है, तो कोशिश करें कि उसे 1.5-2 घंटा अपनी छत में भी रखे खिलाए। सबसे अच्छा है मॉर्निंग इवनिंग को कम से कम 20 मिनट्स का तो उसे वॉक दे ग्राउंड में, उसके साथ बॉल के साथ खेले। एंड अगर ये प्रॉब्लम आपके पपीज़ में स्टार्ट हो चुका है आना, तो सबसे पहला चीज़ उसे बालू में वॉक कराए, फॉर एग्ज़ाम्पल समुद्र कटट में जैसे हमारा होता है पूरा जो एरिया रहता है बालू वाला रहता है वो तो सबसे अच्छा उनके लिए। इसके साथ ही आप उन्हें अगर आपके घर के आसपास कोई छोटा सा तालाब हो या स्विमिंग पूल हो तो स्विमिंग कराए, ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। इसके बाद आप उसे क्या करें वॉक में ले जाए, दौड़ाना नहीं है खिलाना नहीं है, वॉक में मैं बोल रहा हूँ, लीज होना चाहिए हाथ में, एंड ऐसा होना चाहिए कि वो अपना डॉग आपसे आगे रहे आप डॉग के पीछे रहे, थोड़ा सा टाइटली लीज को पकड़ो ताकि वो अपना बैक पैर में बैक लेग में थोड़ा सा प्रेशर दे, प्रेशर बनाए ताकि उसका वॉकिंग में उसका एक्सरसाइज हो पाए। तो सबसे पहला तो ये चीज़ हो गया कि हमें इसे प्रॉपर वे में वॉक कराना है, प्लेन सरफेस में नहीं रखना है रफ सरफेस में रखना है। बहुत आदमी क्या करते हैं डॉग्स तो ले आते हैं बट उसे छोटा सा रूम 4x4 का 4x5 का एक छोटा सा रूम या बैल्कनी दे देते हैं जिसका हाँ ऑब्वियसली उसका सरफेस जो है फाइन रहता है, जिसमें क्या रहता है डॉग्स जो है अपने आप को उसी एरिया में बांध लेते हैं एंड आस्ते आस्ते उनके लेग्स में हिप में प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स हमें तो सबसे पहले उन्हें ग्राउंड में लेके जाना है, ग्राउंड में को उन्हें प्रॉपर वे में वॉक कराना है। उसके बाद दूसरा टिप्स ये है कि बालू में चलाना है, ठीक है हमेशा लीज में रखना है डॉग को, एंड आप कोशिश कीजिए कि सामने से वो किसी को फिच फॉर एग्जांपल वो किसी को पकड़ने जा रहा है वो दौड़ने का ट्राई कर रहा है अपने एफर्ट लगा रहा है बट आपको उसे दौड़ने नहीं देना है, उसे टाइटली पकड़ के रखना है, आस्ते आस्ते आपको उसके साथ चलना है ताकि वो अपने सामने का पैर हो या पीछे का पैर हो उसमें वो थोड़ा सा एफर्ट डाल पाए अपना स्ट्रेंथ लगा पाए। उसके बाद मैंने आपको स्विमिंग के बारे में बताया, स्विमिंग जो है सबसे अच्छा फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज है डॉग्स के लिए पपीज़ के लिए। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया जो फिजिकल एक्टिविटी हम घर पे करते हैं लेग बेंडिंग्स को लेके, एंड यस ऑब्वियसली हमें उसे कुछ दिन 1-2 महीने उसे रफ सरफेस में रखना है, फाइन जगह पे एकदम नहीं रखना है, प्लेन एरिया पे नहीं रखना है ताकि आस्ते आस्ते वो अपना ग्रिप बनाना स्टार्ट कर दे, ठीक है। अब मैं आता हूँ मेडिसिन टॉपिक पर। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूँगा, तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कैलकरिया फॉस 30 ये एक होम्योपैथिक दवा है, इसका रेट अराउंड 95-100 रुपीज़ आपका कोई भी नियरेस्ट होम्योपैथी शॉप में मिल जाएगा।
एंड इसका जो डोज है ये 5 ड्रॉप्स, मतलब एक बार में आपको 5 ड्रॉप्स देना है। तो दिन में आप इसे 3 बार दे सकते हैं, मॉर्निंग को, आफ्टरनून को एंड इवनिंग को या रात को। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही एक और होम्योपैथिक प्रोडक्ट आता है कैमोमिला 30, उसका भी जो डोजेज है सेम है, 5 ड्रॉप्स, 3 टाइम आपको देना है, सुबह को, दोपहर को, शाम को। अगर आप दोनों को एक साथ देते हैं तो वेल एंड गुड। आपको क्या करना है, जैसे डिवाइड कर लेना, 3 3 3 12 ड्रॉप्स कैमोमिला का हो जा रहा है, 12 ड्रॉप्स आपका कैल्केडिया फॉस 30 का हो जा रहा है। तो इसे आप इस टाइप से डिवाइड कर दो कि दिन भर में 12 ड्रॉप्स की जगह इसकी 6 ड्रॉप्स आप दो और 6 ड्रॉप्स कैल्केडिया फॉस 30 के दो, मतलब कि 6 ड्रॉप्स कैमोमिला 30 के दे दो और 6 ड्रॉप्स कैल्केडिया फॉस 30 के दे दो। तो ये होगी आपका होम्योपैथिक मेडिसिन। एंड इन द सेम टाइम मैं आपको एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ। एलोपैथिक मेडिसिन में सबसे पहला जो हमारा ट्रस्टेड मेडिसिन है वो है पेट ज्वाइंट। पेट ज्वाइंट का भी एक नया स्ट्रेन आया हुआ है, पेट ज्वाइंट प्लस। ये आपके स्क्रीन में जैसे दिख रहा होगा, इसका जो प्राइस है बॉक्सिंग है 60 टैबलेट का बॉक्स आता है एंड इसका प्राइसिंग आता है 1350 रुपीज़। इसके जो MRP है 1350 रुपया की MRP है। इसे आपको अपने डॉग्स को देना है। अगर आपका डॉग्स 5 kg का है तो उसे 1/2 टैबलेट देना है पर डे, दिन में एक ही। एंड अगर आपका डॉग 5 to 20 kg के बीच में है तो उसे दिन का 1 टैबलेट देना है। अगर आपका डॉग 20 to 40 kg के बीच में है तो उसे दिन का 2 टैबलेट देना है। अगर आपका 40 kg अबव है तो उसे दिन का 3 टैबलेट देना, सुबह, दोपहर, शाम, इस टाइप करके। तो ये तो हो गया पेट ज्वाइंट प्लस के बारे में। इसके बाद हमारा जो दूसरा मेडिसिन आता है वो साइनोपेट। साइनोपेट पाउडर फॉर्म में आता है। इसका भी आप स्क्रीन में फोटो देख पा रहे हो। साइनोपेट जो है पाउडर फॉर्म में आता है, 50 ग्राम का इसका जो डब्बा है ये आता है। इसे आपको क्या करना है, 5 ग्राम लेके इसका एक डब्बा के अंदर एक छोटा सा स्पून रहता है, 5 ग्राम उसे लेना है, उसे खाना में दे देना है, वो डॉग खा लेगा। तो इसे ये हो गया जो मेडिसिन है, इस मेडिसिन को आप यूज़ करो। और फ्रेंड्स सबसे पहला चीज़, ये तो जो जनरल मेडिसिन हो गया मैंने इसके बारे में आपको बताया, पर आप कभी भी ये चीज़ ना भूलें। अगर आपका पेट्स के साथ, डॉग्स के साथ कभी भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप सबसे पहले अपने जो नियरेस्ट वेटनेरियन है आप उनके पास जाएं और उनका सलाह से ही कुछ काम करें। बट एज जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको अपना जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर किया। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद डायरीज़ को। थैंक यू।